ओके गाइस, चालू कर रहे हैं सेल्स बुक। लास्ट क्लास में लास्ट जो वीडियो दिया था, लास्ट जो क्लास अपने करी थी उसमें अपन ने करा था परचेज बुक कंप्लीट, परचेज बुक का फॉर्मेट देखा था, अब सेल्स बुक का फॉर्मेट देख रहे हैं। तो सेल्स बुक में क्या होता है वो सुनना। सेल्स बुक के अंदर देखो, सेल्स बुक जो मैंने बनाई है ये सेल्स बुक का फॉर्मेट बनाया। सेल्स बुक का फॉर्मेट और परचेज बुक के फॉर्मेट में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, काफी हद तक सेल्स बुक का फॉर्मेट और परचेज बुक का फॉर्मेट सिमिलर है, और इनफैक्ट ये चारों फॉर्मेट बहुत ज्यादा सिमिलर है। चारों फॉर्मेट्स का मतलब क्या हो गया, चारों फॉर्मेट्स का मतलब हो गया सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। इन चारों के फॉर्मेट्स क्या होंगे, काफी ज्यादा सिमिलर होंगे। फोन अपने साइलेंट कर लेना सब लोग, ठीक है। इन चारों के फॉर्मेट्स क्या है, काफी ज्यादा सिमिलर है। डेट पर्टिकुलर्स इनवॉइस नंबर LF डिटेल्स तक सब कुछ सेम था। फर्क आया सेल, वहां पे आया था परचेज, यहां पे आया आउटपुट CGST, ठीक है, वहां पे आया था इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST और लास्ट में टोटल अमाउंट। तो फर्क इस चीज का है सिर्फ 1, 2, 3 और ये 4, इन चार बातों का फर्क है, बाकी एग्जैक्टली फॉर्मेट क्या रहेगा सेम रहेगा। यानी कि अगर आप लोगों ने फॉर्मेट एक चीज का याद कर लिया है तो बाकी के फॉर्मेट्स अपने आप थोड़ा सा माइंड यूज करने के बाद आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। मतलब कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, कितना बेसिक है आप लोग सोच के देखो कि आपको बस ये पता होना चाहिए कि सेल्स अगर आप कर रहे हो तो एक्सक्यूज मी सेल्स के ऊपर क्या लगता है आउटपुट GST और परचेज के ऊपर क्या लगता है इनपुट GST। तो बस आपको इतनी सी बात का ध्यान रखना है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी सेम। चलो देखते हैं अपन। अब देखो इसमें दे रखा है क्वेश्चन, देखना। रिकॉर्ड दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन दी सेल्स बुक ऑफ गणेशन कंपनी। सेल्स बुक ऑफ गणेशन कंपनी में अपने को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। क्या करना है, रिकॉर्ड करना है सेल्स बुक ऑफ गणेशन कंपनी में। जयपुर राजस्थान का है, हु डील इन फर्नीचर, अज्यूम CGST SGST 6%, ठीक है, अपने को दे रखा है। अब CGST SGST का ऑटोमेटिक रेट अपने को 6% दे रखा है, तो अपने को बार बार इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बोलता है आपका काम कहीं का चेक कर लो एक बार, पता नहीं फर्नीचर का काम दे रखा है, लिखा है साफ साफ डील इन फर्नीचर। तो ध्यान रखना फर्नीचर के अलावा कुछ और परचेस अगर सेल करता है तो किसके अंदर आएगा, जर्नल प्रॉपर में जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। अगर फर्नीचर के अलावा ये कैश में कुछ सेल करता है तो कहां जाता है, कैश बुक में। फर्नीचर के अलावा कुछ और सेल करता है क्रेडिट पे तो कहां जाएगा, ये कहां जाएगा, जर्नल प्रॉपर में। याद रखना अगर कैश में सेल होती है तो कभी भी सेल्स बुक में नहीं आएगा। सेल्स बुक विल कंटेन ओनली दोज मैटर्स जहां पे आप लोगों ने जो सेल्स करी है वो क्रेडिट पे करी है। किस पे करी है, क्रेडिट पे। ओनली क्रेडिट सेल्स विल बी इंक्लूडेड, क्रेडिट सेल्स विल बी एंटरटेन हियर, ठीक है। और अगर कैश में सेल्स है तो यहां पे नहीं आएगी, ठीक है। काफी बच्चा ऑलराइट, देखें आप आगे चलिए। सोल्ड गुड्स टू गुप्ता फर्नीचर हाउस आगरा UP। आपने गुप्ता फर्नीचर हाउस को सामान बेचा है या गुप्ता फर्नीचर हाउस को सामान बेचा है तो आपको तो पता है वो कहां से है, यूपी से है। दे आर नॉट फ्रॉम राजस्थान, सिंस दे आर नॉट फ्रॉम राजस्थान दे आर फ्रॉम यूपी, तो व्हाट यू गोना पे, यू गोना पे IGST, IGST लगेगा, व्हाट यू गोना चार्ज, IGST पॉलिसी। तो अगर ये बंदा कहां का है, ये यूपी का है, IGST गुजरात का है, IGST समझ गया ना बात को। और यहां पे लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम, परचेज गुड्स की बात ही नहीं कर रहा मैं यहां पे, सोल्ड टू न्यू फर्नीचर हाउस लिमिटेड जयपुर, यहां पे लगेगा CGST SGST, ठीक है। आगे लिखा है चार सोफा सेट बेचे फॉर कैश, ये भी नहीं आएगा क्योंकि कैश पे बेचे तो कैश बुक पे जाएगा। और यहां दे रखा है सोल्ड ओल्ड कंप्यूटर, वो भी नहीं आएगा क्योंकि वो अदर आइटम्स हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ 1 जून 4 की सोल्ड टू राजा फर्नीचर तीसरा और सोल्ड टू न्यू फर्नीचर 3, इन तीनों की एंट्री होगी, बाकी किसी चीज की एंट्री नहीं होगी। तो जब अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो अपने को ये चीज देख के एनालाइज करना पड़ता है। चालू करेंगे इसे। सबसे पहले दे रखा है सोल्ड टू गुप्ता फर्नीचर हाउस आगरा, तो किसको बेच रहे हो, गुप्ता फर्नीचर हाउस को बेच रहे हो। यहाँ पे क्या लिख देंगे, सबसे पहले डेट क्या है देखना, डेट है 4 जून, 4 जून को क्या लिखेंगे, 4 जून को लिखेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। नाम लिख देंगे क्या है, गुप्ता फर्नीचर हाउस, तो लिखते थे गुप्ता फर्नीचर हाउस, गुप्ता फर्नीचर हाउस, ठीक है। गुप्ता फर्नीचर हाउस कहाँ का है, गुप्ता फर्नीचर हाउस अपने आगरा का, यूपी का है, नाम लिख दिया। अब आपने इसको क्या माल बेचा है देखना, 120 चेयर बेची है 2500 पर चेयर पे, कितनी चेयर्स बेची है, 120 2500 के हिसाब से, तो लिख देना 120 चेयर्स एट द रेट कितना, 2500 2500 के हिसाब से, तो कितना होता है बताना जरा, 120 चेयर 2500 के हिसाब से कितना होता है, 2500 इंटू 120 क्या ये 30,000, 3 लाख रुपए होता है, 3 लाख, ठीक है। 25,000 इंटू 12 3 लाख रुपए हो जाएगा, डिटेल्स में आ जाएगा 3 लाख रुपए, कितने का आ जाएगा, 3 लाख रुपए आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है इसमें 25 टेबल्स 8,000 पर टेबल, 25 टेबल्स 8,000 पर टेबल, 25 टेबल्स
8000 पर टेबल कितना होता है ये 25 into 8000 होते हैं 8000 का 8000 2 लाख रुपीस ये होता है 2 लाख रुपए इन दोनों का टोटल लगा दो होता है 5 लाख रुपए कितने का टोटल हो गया 5 लाख रुपए का टोटल हो गया 5 लाख का टोटल हो गया क्वेश्चन में आएंगे लेस 5% मींस व्हाट 5% ट्रेड डिस्काउंट है नथिंग इज गिवन तो 5% विल बी दी ट्रेड डिस्काउंट सर ये कैश डिस्काउंट नहीं हो सकता सुनो क्रेडिट पे माल बेचा कैश डिस्काउंट कैसे हो सकता है कैश डिस्काउंट से तभी होगा ना जब कैश पे करेगा और अगर कैश डिस्काउंट दे रहे हैं तो नहीं जर्नल प्रॉपर यहाँ पे एंट्री नहीं आएगी वो कहां चली जाएगी वो दूसरे अकाउंट में चली जाएगी यहाँ पे तो एंट्री सिर्फ और सिर्फ वो आ सकती है जो कैश में डील हुए हैं जिनका किस में डील हुआ है सॉरी क्रेडिट में डील हुआ है कैश में डील होगा तो इसमें तो आएगा ही नहीं ये तो सिर्फ क्रेडिट के लिए है ना बात सिचुएशन समझ आ रही बात समझ आई तो लेस कर देते हैं इसमें से लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5% 5% ट्रेड डिस्काउंट तो कितना होता है 25,000 होता है तो कितना जाएगा 4,75,000 कितना जाएगा 4,75,000 दिस विल बी लाइक 4,75,000 4,75,000 तो ये आ गया करेक्ट सही बोल रहा हूँ कितना आ गया 4,75,000 आ गया अब बेटा 4,75,000 तो आ चुका है अब 4,75,000 के बाद में ऐड करेंगे आउटपुट आईजीएसटी क्या ऐड करेंगे आउटपुट आईजीएसटी एट द रेट 12% सर ये आया कैसे सुनो सीजीएसटी आईजीएसटी कितना दे रखा है 6% तो दोनों को जोड़ दो 6% + 6% कितना होता है 12% तो आ गया 12% तो सर आईजीएसटी क्या सीजीएसटी और एससीएसटी बराबर होता है हाँ तो सीजीएससी एससीएससी कब लगता है जब सेम स्टेट में डील करा जाता है तो अगर आपने करा डील इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट के अंदर तो सेम स्टेट में डील करते हो इंट्रा स्टेट में डील करते हो तो उसको तो कहते हैं अपन सीजीएससी एससीएससी जब आप इंटर स्टेट में डील करते हो इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर तो तब लगता है आईजीएसटी क्या लगता है आईजीएसटी तो आईजीएसटी लगेगा 12% 4,75,000 का 12% कितना होता है ये होता है 47,500 प्लस 475 का डबल ठीक है यानी कि 8,9,950 यानी कि 475 प्लस 9,500 यानी कि हो गया कितना दिस विल बी 47,500 प्लस 9,500 दिस विल बी 00000 दिस विल बी 57,000 ठीक है दिस विल बी 57,000 57,000 ऐड करेंगे तो कितना आएगा या जाएगा 000028 और 5,32,000 आ रहा है क्या ये 5,32,000 आ रहा है सबका हाँ जी यस सर 5,32,000 ठीक है ओके डन अब सेल में तो देखेंगे अपन 5,00,000 रुपए 4,75,000 रुपीस यहां डैश आउटपुट आईजीएसटी में 57,000 रुपीस एंड फाइनल अमाउंट में 5,32,000 रुपीस 5,32,000 आ जाएगा एनी डाउट एनीबडी सेकेंड पॉइंट देखते हैं सेकेंड पॉइंट क्या है सेकेंड पॉइंट इज सोल्ड टू राजा फर्नीचर हाउस अहमदाबाद अब कहां बेच रहा हूं माल अहमदाबाद में माल बेच रहा हूं ठीक है राजा फर्नीचर हाउस डेट क्या थी 8 तारीख 8 जून राजा फर्नीचर हाउस गुजरात अहमदाबाद मतलब गुजरात तो क्या क्या बेच रहे हैं चेक करते हैं 8 अलमिराज 15,000 का है 8 अलमिराज कितने का है 8,000 का सर 15,000 का 15,000 की 8 अलमिराज बेची अब 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 8 1,20,000 का माल आ गया डिटेल के अंदर ये आ गया 1,20,000 नेक्स्ट है 9 स्टील कैबिनेट्स है 20,000 का 9 स्टील कैबिनेट्स एट द रेट 20,000 ईच तो दिस विल बी 1,80,000 इन टोटल दिस विल बिकम 3,00,000 ये हो जाएगा 3,00,000 का कितने का हो जाएगा 3,00,000 का अब लेस कर देते हैं इसमें से ट्रेड डिस्काउंट
और वो दे रखा था 10% का, कितने का दे रखा था 10% का, तो 3 लाख में से 30,000 हटा दो, कितना हटा दो 30,000 हटा दो, तो आंसर आ जाएगा 2,70,000। आंसर आ जाएगा कितना बेटा, आप आ जाएगी, आप फोन में क्या कर रहे हो, 2,70,000 प्लस आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी कितना आएगा एट द रेट 12% ही आएगा, तो 27,000 प्लस 5,400, 27,000 प्लस 5,400 कितना होता है 32,400 का जीएसटी लग जाएगा इस पे। कैसे आया 12% करके आया, बस मैं क्या करता हूँ, मैं 2,70,000 का 10% निकाल लेता हूँ, ठीक है 27,000 और फिर 2,700 का मतलब 2,70,000 का फिर मैं 2% निकाल लेता हूँ, तो होता है 5,400, दोनों को जोड़ देता हूँ तो कितना आ गया 32,400 आ गया, तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा, ये हो गया 3,02,400 3,02,400 बस हो गया खत्म। अब यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपन 2,70,000 डैश डैश 32,400 और 3,02,400 एनीबॉडी विद एनी डाउट, नो डाउट यस या लिख दिया सबने, डन एनी डाउट ओके। अब देखो एक चीज ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में पता है आईजीएसटी दे नहीं रखा है यहां पे, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कई बच्चों के दिमाग में कि सर आईजीएसटी तो लिखा हुआ ही नहीं है, सिंस आईजीएसटी लिखा नहीं था तो सर आईजीएसटी कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, तो उनको सीजीएसटी एसजीएसटी दिखता है और वही लिख के आ जाते हैं और वही हो जाती गलती, मतलब इट्स लाइक अ लड्डू क्वेश्चन, कंफर्म मार्क्स हैं, इससे इजी आपको अकाउंटेंसी में कुछ नहीं मिल सकता, सिंस यू विल नॉट गेट एनीथिंग इजियर देन दिस, मतलब इसमें तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, इसमें तो आपको डेबिट और क्रेडिट के रूल्स तक याद नहीं करने, इट्स सच अ बेसिक क्वेश्चन की एज इट इज इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन करके लिख के मल्टीप्लाई करके लिख के तो आना है, तो गलती क्या हो जाती है हम लोगों से यहाँ पे, गलती हो जाती है कि अगर ये ध्यान नहीं दिया ना तो सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट करके आ जाओगे और लो 4 नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन आया उसमें मार्क्स आपने खो दिए, बेसिक क्वेश्चन है फोकट के मार्क्स हैं, बात समझ आ रही है, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन में काउंट करता हूं इसको। आगे देखिए सोल्ड टू न्यू फर्नीचर हाउस जयपुर, अब न्यू फर्नीचर हाउस को बेच रहे हैं 25 तारीख को माल, कब बेच रहे हैं 25 तारीख को माल, नहीं इसलिए तो मैंने पहले इग्नोर करवा दिए थे ओके। अब देखिए नेक्स्ट है 25th of June, कहां माल बेच रहे अपन, माल बेच रहे अपन यहां पे कुछ तो है यहां पे न्यू फर्नीचर हाउस जयपुर, न्यू फर्नीचर हाउस जयपुर ठीक है, न्यू फर्नीचर हाउस जयपुर में माल बेच रहे हैं, क्या क्या बेच रहे हैं, 5 सोफा सेट 20,000 का, 5 सोफा सेट्स कितना हो गया 20,000 × 5 1,00,000 और आगे दे रखा है इसमें 10 tables 8,000 each शोर का 10 tables 8,000 each तो 10 tables at 8,000 each तो ना कितने तो हो ही गया खत्म 80,000 जाएगा 1,80,000
कितना जाएगा 1,80,000। फिर क्या करेंगे प्लस सीजीएसटी नहीं ट्रेड डिस्काउंट है कुछ नहीं है सर। ओके फाइन डायरेक्टली प्लस इसमें सीजीएसटी एट द रेट 6% क्योंकि जयपुर में बेचा है एसजीएसटी एट द रेट 6% तो सीजीएसटी भी 6% एसजीएसटी भी 6% आप कितना होता है 1,80,000 1,80,000 का 6% निकाल दो 10,800 तो आंसर कितना आएगा इसका 2,00,000 2,16,00 200160 नहीं 201600 201600 यहाँ पे लिखेंगे 1,80,000 और यहाँ लिखेंगे अपन 10,800 और लास्ट में जाएगा 201600 खत्म हो गया क्वेश्चन। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो आप टोटल कर देंगे लास्ट में तो टोटल कितना आएगा टोटल कितना आएगा देखना जरा ये तो आएगा इसका टोटल करो इसका टोटल आएगा 108,000 इसका आएगा 89,400 आ गया यस सर। अब इसका कितना आएगा इसका आएगा 4,05,006,007 7,09,50,000 9,50,000 10,25,000 आ जाएगा 10,25,000 और इसका टोटल करेंगे 5,08,08,00,000 10,00,00,000 का ये हो गया 10,32,000 10,34,000 400+1,600 10,36,000 10,36,000 जस्ट अ मोमेंट हाँ बिल्कुल ये 9,00,000 की होगी 4,5,6,7 ये 7,08,50,000 9,25,000 9,25,000 जाके 9,25,000 एनी डाउट टोटल फाइनल करना जरूरी है टोटल नहीं लगा के आओगे तो मार्क्स कट जाएंगे ठीक है और फाइनल आंसर पता नहीं चलेगा समझ आ गया कोई किसी को डाउट है तो पूछ लो नहीं तो मैं आगे मूव करूँ नहीं